जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज बच्चा मैं आपके लिए लेकर आया हूं पार्ट चार। क्या लेकर बेटा? पार्ट चार, द्विघात समीकरण। क्या सीखेंगे बच्चा आज? मैं द्विघात समीकरण सीखेंगे, कक्षा टेंथ का है। और आज अपन इसकी डेमो क्लास को सीखेंगे। अगर अपन डेमो क्लास समझ में आ जाती है तो अपन बहुत अच्छे से अपन को पार्ट को समझ लेते हैं। अब क्या है द्विघात समीकरण? तो द्विघात समीकरण आप सब जानते हैं कि जिस बहुपद की, उसकी बच्चा जिस बहुपद की घात दो होती है, जिस बहुपद की घात दो होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। शिल्पा कह रही कैसे? मैंने कहा देखो जैसे, जैसे क्या? एक्स स्क्वायर प्लस के फाइव एक्स माइनस के छः। मैंने कहा और देखना, तो और देखो एक्स स्क्वायर माइनस के टू एक्स प्लस के तीन। तो ये आपके द्विघात समीकरण हैं, क्योंकि ये पूरा एक बहुपद है और इस बहुपद में सबसे ज़्यादा घात कितनी है? दो। जिस बहुपद की अधिकतम घात दो होती है वह द्विघात समीकरण होता है, जिसकी तीन घात होती है त्रिघात समीकरण होता है। तो इस प्रकार से अपन जानते हैं। आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब सीख लेते हैं। अब इसमें क्या आता है बच्चा? बहुपदीय समीकरण। किसकी बात होती है बच्चा? बहुपदीय समीकरण। किसकी? बहुपद समीकरण, बहुपद। अब बहुपद समीकरण क्या होता है बच्चा, इसको समझ लेते हैं। तो बहुपद समीकरण ये कैसा होता है? माना जैसे कि माना एफ एक्स एक बहुपद है। मान लेते हैं हम कि एफ एक्स एक बहुपद है और हमने एफ एक्स बराबर क्या है? जीरो दिया। यानी एफ एक्स एक कोई बहुपद है, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस के फाइव एक्स प्लस के सिक्स, यानी द्विघात समीकरण इस बराबर दिया। और हल करने पर क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। हल करने पर क्या आ जाता है? जीरो हो जाता है। तो ये क्या होता है? बहुपद समीकरण कहते हैं। सामान्यतः दो घात वाले को समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। और हल आ जाता है, इसको हल करने पर और इसको मान रखने पर अगर जीरो आ जाए तो ये क्या है? द्विघात समीकरण है। अब बात कर लेते हैं समीकरण की घात। दूसरा क्या होता है? समीकरण की घात, समीकरण की घात, समीकरण की घात, समीकरण की घात, समीकरण की घात। यानी समीकरण की घात का मतलब होता है कि बहुपद में चर की उच्चतम घातांक उस बहुपद की घात होती है। हमने जैसे मैंने आपको जो इसमें बताया था कि ये बहुपद है, चरपद कहते हैं, चर की उच्चतम घात कितनी बच्चा? दो है। कितनी है? दो है। तो वही समीकरण घात की बात कर रहा, तो इसकी उच्चतम घात कितनी है? दो है। इसकी उच्चतम घात कितनी बच्चा? दो है। क्या है बच्चा? उच्चतम घात दो है। तो बहुपद कहते हैं, इसे भी क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब बात है समीकरण के मूल। अब समीकरण, समीकरण के मूल, अब समीकरण के मूल जैसे कि अपन ने पहले पढ़े थे समीकरण के मूल अल्फा बीटा गामा लैम्डा वगैरह, अपन ने पिछले पार्ट दो में पढ़ चुके हैं। तो ऐसे समीकरण के मूल इसके होते हैं। समीकरण मूल क्या होते हैं? एफ एक्स बराबर, क्वेश्चन अपन एफ एक्स बराबर जो एक्स का मान मतलब हम एक रखने पर दो तीन चार इधर जीरो माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार और रूट थ्री भी रूट थ्री रूट टू। तो ये क्या होते हैं? एक्स की मार रखने पर क्या रखने बच्चा? मार रखने पर, ये सारे इतने सारे मार रखने पर एक्स यहाँ रखते हैं, वो समीकरण को क्या हो जाता है? जीरो आंसर आ जाता है। तो वो उसके मूल कहलाते हैं। इसके क्या कहलाते हैं बच्चा? मूल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल। आशा करता हूँ आपको समझ। तब चर का व्यवमान जो दी गई समीकरण को संतुष्ट करता है। संतुष्ट का मतलब होता है कि एक्स का जो भी मान हम समीकरण में रखते हैं उसको रखने पर शून्य प्राप्त हो जाता है, तो वही उसका संतुष्ट क्या होता है? संतुलन, यानी संतुष्ट कर देता है। तो वही हमें समीकरण के मूल कहलाते हैं। समीकरण घास समझ गया, बहुपद समीकरण सीख गया अपन। कैसे तीन चीज़ें समझ में आई आशा करता हूँ। अब कहते हैं हल समुच्चय। अब क्या होता है? हल समुच्चय। हल समुच्चय क्या होता है अच्छा? तो हल समुच्चय यानी की बात होती है कि किसी समीकरण के सभी मूलों का समुच्चय हल समुच्चय कहलाता है। यानी सभी समीकरण किसी समीकरण के सभी मूल, जैसे कि सभी मूल क्या होते हैं? एक दो माइनस तीन जे निकल रहे हैं। सभी मूल क्या कहते हैं? समुच्चय हल समुच्च कहलाता है। समुच्च कहलाता है। तो आशा करता हूँ चीज़ आपको समझ में आ गई, समुच्च कहलाता है। इसके बाद आता है अस्मिका। क्या आती है बच्चा? अस्मिका। अब भैया अस्मिका क्या होती है? तो अस्मिका आइडेंटिटी होती है कि वह व्यंजक जिसमें एक है एक से अधिक चर। वह व्यंजक क्या भैया? वह व्यंजक जिसमें
एक से अधिक, क्या बच्चा है एक से अधिक, एक से अधिक चर व चर व बराबर, चर व बराबर का चिन्ह होता है, क्या होता है बच्चा चिन्ह होता है, तथा चर के सभी, तथा चर के, तथा चर के सभी चिन्ह, चर तथा चर के सभी मान ये संतुष्ट करें, क्या करें इसे संतुष्ट संतुष्ट करते हैं, क्या करते हैं जितनी क्या क्या कह रहे प्रिंसिपल कि वह व्यंजक जिसमें एक से अधिक चर, एक से अधिक चर एक चर व बराबर का चिन्ह होता है तथा चर के सही मान से संतुष्ट करें, जो भी बराबर का चिन्ह है और उसमें जो मान रखने पर संतुष्ट होता है क्या होता है संतुष्ट होता है उसी को क्या कहते हैं अस्मिका कहते हैं, इसे क्या कहते हैं अस्मिका कहलाती है, वही क्या कहलाती है बच्चा अस्मिका कहलाती है। समीकरण के मूल को शून्यक भी कहते हैं, जो अपने समीकरण होते हैं, क्या होता है बच्चा समीकरण, क्वेश्चन आते बच्चा नीचे समीकरण के जो मूल, समीकरण के मूल पढ़े थे, समीकरण मूल को अपन शून्यक भी कहते हैं शून्य। अब आपको पता चल जाएगा समीकरण मूल कह दे, अब मूल बहुत कम कहता है, शून्य की बात करता है, किसी बात करता है शून्य, तो आप समझ सकते हैं शून्य का मतलब हो रहा है कि एक्स एक्स के मान पूछ रहा है, कि जो भी एक्स के मान है वो उसकी बात कर रहा है कि एक्स के मान क्या है एक्चुअल में उसकी बात कर रहा है। तो द्विघात समीकरण मूल ज्ञात करना, उसे द्विघात समीकरण को हल करना कहलाता है, और इसके मूल ज्ञात करना, मूल मूल ज्ञात करना द्विघात समीकरण हल, द्विघात समीकरण हल कहलाता है, द्विघात समीकरण हल हल कहलाता है, द्विघात समीकरण हल कहलाता है। तो आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट, अब आपके सामने हैं कि द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। अगर आपसे पूछता है कि द्विघात समीकरण हल करने की कितनी विधियाँ होती हैं, तो आप कह सकते हो तीन विधियाँ होती हैं। उसने पूछा कौन कौन सी तीन विधियाँ हो सकती हैं, तो आपको यह पहली होती है गुणनखंड विधि, दूसरी होती है पूर्ण बनाकर, और तीसरी होती है सूत्र का प्रयोग करके, जिसे हम श्रीधराचार विधि कहते हैं, जिससे दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा कोई भी गुणनखंड हो वो हल होगा, किससे तीसरे नंबर से। तो सबसे पहले अपन सीखते हैं क्या गुणनखंड विधि, क्या सीखते हैं बच्चा गुणनखंड विधि, जो कि अपने पेपर में वो आने आना है, क्या सीखते हैं गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि आप सब पहले अल्फा बीटा गामा सब सीख ही चुके हैं, ठीक है, तो अपन चलते हैं गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि को ज्ञात करने के बहुत सरल से नियम होते हैं वर्किंग करने के, तो वो पॉइंट आप लिखें जिसको जिस जो आपके काम में आएगा, जैसे कि पहला पॉइंट गुणनखंड विधि, कौन सा हल कर रहे हैं अपन गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में एक गुणनखंड को हल करने के लिए आपके पास जो मैं चीज़ें बताऊंगा उस वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि पहला मैं गुणनखंड उतारता हूँ, उदाहरण दर साइड से ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस के टू एक्स माइनस के तीन बराबर छः, ठीक है। आपको इस जो मैं विधि बताऊंगा, अगर आप इस पे काम करेंगे तो आपका गुणनखंड बहुत अच्छे तरीके से हल होगा, ठीक है। तो बात करते हैं पहला कि इन दोनों पदों का युग मध्य पद के युग के बराबर हो, इन दोनों पदों का युग, इन दोनों जो पदों का युग मध्य यानी एक जे पद और एक जे पद, इन दोनों पदों का जो योग हुआ वो क्या होगा इसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए इन दोनों पदों का युग मध्य पद के क्या होना चाहिए बच्चा बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए इन पहला चर पहली इन दोनों पदों का योग मध्य पद, क्या बच्चा मध्य पद के योग के बराबर होना, बराबर क्या करना चाहिए बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चा बराबर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपका क्या आता है, दूसरा पॉइंट कहता है इन दोनों मध्य के गुणनखंड का गुणांक, इन दोनों पदों के मध्य, इन दोनों पदों के मध्य में क्या जी है, तो इन दोनों पदों के मध्य, इन दोनों पदों के मध्य के गुणनखंड, गुणनखंड का गुणांक, गुणनखंड का गुणांक, गुणनखंड का गुणांक दी गई द्विघात समीकरण, दी गई द्विघात समीकरण, दी गई द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक तथा अचर पद, अचर पद मतलब गिनती अक्षर, अचर पद के गुणन फल के बराबर हो, गुणनफल के बराबर हो,
तो इसको हल करना बहुत ही सिंपल है, क्या बता, बहुत ही सिंपल है। देखो कैसे हल करेंगे, देखो अब जी अपने पास है तो जी क्या कह रहा है, जी दो पॉइंट अपन को देख रहे हो, सवाल अपना हल कह रहा है, इन दोनों पदों का योग मध्य पद के योग की, जो यानी इन दोनों का जो योग हुआ इसके बराबर होना चाहिए पहला पॉइंट। दूसरा क्या कह रहा है, इन दोनों पदों के मध्य के गुणनखंड का गुणांक, इन दोनों पदों के मध्य के गुणनखंड का गुणांक दी गई द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर के गुणांक तथा अचर पद के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। देखो कैसे कैसे, देखो ये लिखा है वो क्या कह रहा है कि इन दोनों के मध्य के गुणनखंड का गुणांक दी गई द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर गुणांक तथा अचर पद के गुणनफल ये बराबर हो, तो क्या नहीं मतलब जे के जे तीन एकम, देखो जे इतना आना चाहिए जैसे तीन लिखा। देखो इसमें आपको अगर इसका समझ में नहीं आ रहा तो देखो और अच्छे, मैं आपको एक अगर आपको एक प्रवास समझ में नहीं आ रहा तो मेरा भी तरीका है सिंपल सा। देखो सिंपल तरीका होता है अच्छा, जिसमें एक्स का पद ना हो, जिसमें एक्स ना हो वो अचर पद कहलाता है। इसमें देखो एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स और इसमें तीन है, इसमें एक्स नहीं है तो ये अचर पद, अचर पद के अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जैसे तीन एकम तीन, तीन एकम तीन हो गए, तो इधर चिन्ह काय का लगा तो आप सबको भी चिन्ह है घटाना का, तो क्या है घटाने पर कितने बचनी चाहिए, दो, तो आपने कहा तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, तीन और एक का हमने गुणा किया तीन आ गया, और तीन में से हमने एक घटाया तो कितने प्राप्त हो गए, दो। हमारी बात बन गई घटाया, क्योंकि इधर घटाना का चिंता, इसलिए बच्चा मैंने घटाया, गुणा करने पर तीन आ रहा है और घटाने पर कितने आ रहा है, चलो देखो वही करना है, घटाने पर देखो दो बच रहा है, मध्य पद आना चाहिए, चाहे इधर घटाना हो घटाओ, घटाना चिन्ह तो घटाने पर प्राप्त होना चाहिए, अगर जुड़ का चिन्ह जुड़ने पर दो प्राप्त होती, जुड़ने पर दो प्राप्त होती, जो अपने मध्य पद होता है जो एक अकेला होता है वही आना चाहिए अपने जुड़ने या घटाने पर, और गुणा करने पर ये वाली संख्या हमें प्राप्त होनी चाहिए। अगर इसके आगे कुछ होता तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें प्राप्त होना चाहिए। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो ये बहुत सरल है, तो अपने से क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस चिन्ह, अब टू एक्स को क्या लिखेंगे तीन माइनस के एक, और एक्स को लिखेंगे बाहर तीन माइनस के एक, यानी दो बचेगा, और एक्स को हम लिखेंगे बाहर माइनस के तीन बराबर जीरो। एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे तो जो माइनस के तीन एक्स, इसका गुणा होगा तो माइनस के वन एक्स, सॉरी माइनस के तीन एक्स, माइनस माइनस प्लस के वन एक्स हो जाएंगे, और जे तो माइनस के तीन बराबर जीरो रहेंगे। अब मैंने कहा दोनों में कॉमन क्या मिल रहा, तो एक्स कॉमन मिल जाएगा, तो एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस के तीन बचे प्लस के वन कॉमन लेंगे बच्चा तो बचेगा एक्स माइनस के तीन बराबर जीरो। जब कुछ कॉमन नहीं मिलता तो एक कॉमन होता है उसमें, देखो ये दोनों कुछ टाइम मिल गया तो एक्स माइनस तीन को हमने कॉमन लिया तो इधर क्या बचा एक्स, उधर क्या बचा बच्चा प्लस के वन बराबर जीरो। अब क्या करते हैं इसे आगे हल में हल करना है गुणनखंड, इतनी तो आगे अब आगे हल कैसे करते हो, तो क्या करते हैं एक्स माइनस तीन बराबर क्या मान लेते हैं जीरो, जी माइनस का उधर काय का हो जाएगा बच्चा प्लस का, एक्स प्लस वन बराबर हम जीरो मानते हैं तो जी प्लस का, तो उधर काय का हो जाएगा माइनस का, तो इस हिसाब से तीन कॉमा माइनस के मन, तीन कॉमा माइनस के मन इसके क्या आ जाते हैं जी मूल आ गए, जिसे अपन शून्यक भी कहते हैं, जिसे शून्यक भी कहते हैं, ये इसके गुणनखंड हो गए थे जी दो, ठीक है, इसके हमने मूल और शून्यक भी प्राप्त कर लिए। तो इस प्रकार से आपके गुणनखंडों को हल करना है, अगर परिवार समझ में नहीं आता है तो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब अपन टॉपिक में क्या सीखे, दूसरे नंबर पे पूर्ण वर्ग बनाकर, तो दूसरी विधि तो मैंने क्या थी बच्चा पूर्ण वर्ग बनाकर, तो अब हम अब पांच जो मैंने लिखे हैं टॉपिक जिनको क्या है आपको अच्छे समझना है, और आप पूर्ण वर्ग बनाकर आप सवाल को हल कर सकते हैं जिसके गुणनखंड नहीं हो रहे हो। जैसे कि देखो इसका कार्यविधि, कार्यविधि क्या है, पहला क्या है एक्स के सभी पद, एक्स के सभी पद बाईं ओर तथा अचर संख्या को बराबर के दाईं ओर रखें। जैसे सवाल सवाल लिखा है, क्या लिखा है सवाल जी आपके सामने लिखा है बच्चा, कह रहा है एक्स के सभी पद बाईं ओर, एक्स का ये पद जी है और एक्स का ये पद है, तो हम इसे किस ओर लिखेंगे बाईं ओर, मतलब बाईं ओर इस तरफ होता है और दाएं हाथ हमारे इस तरफ होता है दाएं ओर, तो बाईं ओर हम इधर ही लिखेंगे फोर एक्स स्क्वायर माइनस के थ्री एक्स, और कह रहा अचर पद, क्या कह रहा है अचर, अचर संख्या को बराबर के दाईं ओर, तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे बराबर के दाईं ओर लिखेंगे एक को, क्योंकि एक क्या होता है गिनती का अक्षर होते हैं अचर पर। आशा करता हूँ पहला सवाल आओ एक्स के जो भी गुणांक, सॉरी एक्स के सभी पद बाईं ओर हो गए और अचर पद दाईं ओर हो गया बराबर, ठीक है। दूसरा टॉपिक क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणांक से समीकरण के दोनों ओर भाग दें, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है बच्चा चार, एक्स और गुणांक क्या है चार, चार गुणा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना अच्छा, तो आप कहोगे चार, तो चार का क्या है, चार का क्या करना भाग देना, तुम्हें क्या करना चार का बच्चा भाग देना है, चार का क्या देना बच्चा भाग देना है, तो अपन ने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं भाग दे लेंगे, दोनों पक्षों में भाग देंगे, तो चार का भाग इसमें भी देंगे और चार का भाग इसमें भी देंगे। आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा, तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे चार एक्स स्क्वायर बटे चार माइनस के तीन एक्स बटे चार,
बराबर एक बटे चार। देखो चार से चार तो ये कट ही गया, चार से चार तो ये कट गया, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस के थ्री एक्स बटे चार बराबर एक बटे चार। आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया हो। अब देखो तीसरा क्या कह रहा है, दो नियम तो क्लियर हो गए। पहला क्या था कि अचर पदों को बाईं ओर लिखना और अचर पद को दाईं ओर लिखना, फिर क्या करना है कि दूसरे में कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देना है, ठीक है, इतना क्लियर हो। अब बात करें तीसरा नंबर क्या कहता है कि एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों ओर जोड़कर पूर्ण वर्ग बनाए। अब एक्स के गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या था अपन तीन, क्या था एक्स का गुणांक क्या था अपन तीन था कि नहीं था। अब तीन का आधा कितना होता है, तो आप सब कहोगे तीन बटे दो। देखो तीन का अपन आधा करेंगे, तीन बटे दो, तीन का आधा क्या होता है अच्छा तीन बटे दो, तीन का आधा क्या होता है तीन बटे दो, क्योंकि सॉरी एक्स का गुणांक जे तीन बटे चार है, पूरा कितना अच्छा तीन बटे चार, एक्स का गुणांक कितना है तीन बटे चार है, कितना अच्छा तीन बटे चार है, कितना अच्छा तीन बटे चार। अब वो अपन से कह रहा है कि एक्स का गुणांक क्या है तीन बटे चार, ये पहले था एक्स का गुणांक, लेकिन अभी की बात करेंगे एक्स गुणांक की, तो एक्स का गुणांक क्या है तीन बटे चार। अब इसी का आधा करना है तो इसी का आधा करेंगे दो, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एक तो ऊपर ऊपर गुणा होता और बीच बीच का गुणा होता, तो कितना आ गया तीन एकम तीन और चार दूनी आठ, कितना बचा तीन बटे आठ, कितना आ गया तीन बटे आठ। तीन बटे आठ को क्या करना है वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ना है, वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ना है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस से थ्री एक्स बटे चार प्लस तीन बटे आठ का वर्ग करना है और जोड़ना है इधर एक बटे चार प्लस तीन बटे आठ का वर्ग करके इधर भी इसको जोड़ना है। इतना अब इसको हल करते हैं, तो इसे एक्स स्क्वायर लिखें माइनस के थ्री एक्स बटे चार लिखें, तीन का वर्ग कितना होता है नौ, आठ का वर्ग कितना होता है चौंसठ, एक बटे चार। देखो तीन का वर्ग तो आप समझा नौ होता है और आठ का वर्ग कितना होता है अच्छा चौंसठ। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया, आपको क्या हो गया इतना तो क्लियर हो गया, इतना हो अच्छा इतना तो क्लियर हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया, तो आपने कहा इतना तो हमें क्लियर हो गया। तो अब देखो अब क्या करना है, तो इतना अपन को क्लियर हो गया बच्चा, तो अब क्या करना है, अब अपन को पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाना का मतलब ये है कि ये तो अपना सूत्र बन गया किसका एक्स माइनस तीन बटे आठ का होल स्क्वायर, क्या बनेगा तीन बटे माइनस आठ का होल स्क्वायर। देखो स्क्वायर खोलते हैं, विश्वास नहीं है आपको, तो एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस के टू ए बी होता है, क्या होता है टू ए बी, टू ए बी टू आएगा, ए का मान एक्स आएगा, बी का मान तीन बटे चार आएगा, क्या आएगा तीन बटे आठ आएगा, तो दो से कट जाएगा तो कितना बचेगा तीन बटे चार बचेगा। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ टू ए का मान कितना है एक्स, बी का मान कितना है तीन बटे आठ, तो देखो दो से काटोगे दो चौक आठ, तो तीन बटे चार एक्स आगे कि नहीं आ गया आपने कहा, फिर होता है बीस वर्ग, बीस मतलब तीन का वर्ग नौ आठ वर्ग चौंसठ, इसलिए सूत्र बन गया। अब इसका भाग लघुत्तम समाप्रतक लेंगे तो कितना आएगा चौंसठ आएगा, एलसीएम कितना आएगा चौंसठ, चार का भाग चौंसठ में देंगे कितनी बार जाएगा सोलह, तो सोलह प्लस के चौंसठ का भाग चौंसठ में देंगे तो एक बार सोलह एकम चौंसठ एकम चौंसठ और नौ, तो ये एक्स माइनस इसको अपन क्या लिखें बच्चा एक्स माइनस तीन बटे आठ का होल स्क्वायर बराबर जी सोलह उन्नौ पच्चीस बटे और जी कितना हो गया आठ, कितना हो गया बच्चा ये चौंसठ, कितना है बच्चा चौंसठ, सोलह उन्नौ पच्चीस और जी कितने हो गया बच्चा चौंसठ, क्या हो गया चौंसठ। अब इस पर स्क्वायर चढ़ा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा बच्चा, इस पर स्क्वायर है तो इस पर क्या चढ़ जाएगा रूट, क्या चढ़ जाएगा बच्चा रूट चढ़ जाएगा, क्या चढ़ जाएगा रूट, जिसे कहते हैं अंडा रूट, क्या चाहते बच्चा अंडा रूट। तो जैसे अपन इधर लिख लेते हैं इसका स्क्वायर हटेगा इस पर क्या चढ़ेगा अंडा रूट एक्स माइनस तीन बटे आठ, इस पर अंडर रूट चढ़ेगा तो जी कितना हो जाएगा पच्चीस बटे चौंसठ, तो एक्स माइनस के थ्री बटे एट लिखेंगे बराबर पच्चीस बटे चौंसठ, आप सब जानते हो जो पाँच का वर्ग होता है और जी ये पाँच का वर्ग है और जी आठ का वर्ग है, तो पाँच बटे आठ और काम आते बच्चा प्लस माइनस कितना आ गया, तो आपको ये इतना समझ में आ गया। अब देखो प्लस माइनस का मतलब होता है कि एक्स का मान एक बार प्लस के साथ ले लो एक बार माइनस के साथ ले लो, जब प्लस का चिन्ह लेंगे तो क्या होगा एक्स माइनस थ्री आठ और प्लस करेंगे पाँच बटे आठ, अब जो माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो पाँच बटे आठ प्लस के तीन बटे आठ, तो एक्स बराबर क्या है आठ, आठ एलसीएम आएगा, क्या आएगा आठ एलसीएम आ जाएगा बच्चा, अब आठ का मान तो पाँच प्लस के तीन, पाँच प्लस के तीन, तो जे भी कितना हो जाएगा बच्चा आठ आठ हो जाएगा, कितना हो जाएगा आठ, आठ बटे आठ, तो आठ से आठ कटेगा कितना आ गया एक मान आ गया एक्स, क्या आ गया एक्स, एक्स कैसे आया देखो प्लस माइनस का चिन्ह आया, एक बार मैंने प्लस का चिन्ह ले लिया, इधर लिख सकते अपन धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, तो धन चिन्ह लेने पर अपन इसको हल कर लेंगे। अब ऋण चिन्ह का लेने पर क्या लगेगा ऋण चिन्ह, तो ऋण चिन्ह लिए क्या होगा एक्स माइनस थ्री बटे आठ, तो अपना इतना दिया ही है, अब माइनस बराबर कहते हैं माइनस के पाँच बटे आठ, पाँच बटे आठ है कि नहीं, तो जी माइनस के उधर काय के हो जाएंगे आप सबको, ये माइनस के
जी प्लस के माइनस के तो गायब हो जाए, प्लस के 3/8 माइनस के 5/8। तो एक्स बराबर एलसीएम कितना आएगा आप सबको भी 8 आएगा, 8 का भाग जाएगा 8 एकम 8 3 माइनस 8 एकम 8 बराबर कितने 5। तो अब देखो 3 में से 5 नहीं घटेंगे लेकिन 5 में से 3 घटेंगे तो माइनस के 2/8। अब 2 से हम काट देंगे तो 2 कम 2 2 चौक 8, तो एक्स बराबर कितना आएगा माइनस के 1/4। तो जी बच्चा आपका आंसर निकल आया, क्या निकल गया आंसर, एक आपका आया माइनस के 1/4 और एक एक कितना आया बच्चा, एक एक आया और एक माइनस के 1/4। तो आशा करता हूँ आपको ये विधि समझ में आई हो, पूर्ण वर्ग विधि बनाना बहुत आसान है, फिर भी कहीं भी दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से बताएं। लास्ट चीज़ बनती है अपनी क्या क्या, और पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग कब करते हैं, जब गुणनखंड विधि से आंसर नहीं आता तब पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग करते हैं। अब चलते हैं लास्ट विधि जिसे क्या कहते हैं अपन, क्या श्रीधराचार विधि, क्या कहते हैं बच्चा श्रीधराचार विधि भी कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चा श्रीधराचार विधि भी कहते हैं, और उसे सूत्र का प्रयोग करके भी कहते हैं। जब बच्चा उन दो विधियों से हल नहीं होता है, गुणनखंड विधि से और पूर्ण वर्ग बनाकर विधि से, तो तब आता है सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण हल। इससे कोई भी गुणनखंड दुनिया का वो हल होगा, जिसे अपन कहते हैं श्रीधराचार का सूत्र। जिसे क्या सूत्र क्या होता है, एक्स बराबर माइनस माइनस बी प्लस माइनस अंडरवुड बी स्क्वायर माइनस के पूरे से बराबर 2। अगर किसी बच्चा को लगता है बच्चे भैया ये सूत्र कहाँ से आया, तो मैं इसका निगमन करके बता दूंगा। अब बात कर लेते कार्य विधि की, तो कार्य विधि अपनी क्या है, पहला क्या है, दी गई समीकरण मानक रूप ए एक्स स्क्वायर बी एक्स सी प्लस सी बराबर 0 में लिख, जैसे कि पिछले सवालों में आपसे तुलना कराता था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है तुलना करेंगे, फिर हम विभक्तर ज्ञात कर लेंगे जिसे कहते हैं डी। डी बराबर क्या होता है सूत्र, बी स्क्वायर माइनस के फोर ए सी, क्या होता है अच्छा बी स्क्वायर माइनस के फोर ए सी, ठीक है। फिर हम निम्न सूत्र लगा सकते हैं, निम्न सूत्र क्या होता है अपना कि एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। अब आपको भैया ये तो आपने सीधा बीजी में ये लिखा था अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के फोर ए सी, अब ये डी कहाँ से आ गई, मैंने कहा पप्पू ये देखो कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर क्या दिया डी, अगर आप इतने का मान डायरेक्ट निकाल सकते हो तो डी बराबर जो मान आता है उसको इधर रख दो बटे 2a। और आपकी दो बातें जो याद करने की, जो मान यानी याद करना बहुत जरूरी थी, जैसे कि पहला क्या है नोट में इसे बहुत जरूरी याद करें कि d बराबर अगर 0 आता है, d बराबर क्या आता है 0, तब दी गई समीकरण के मूल वास्तविक बराबर हों, पूछता है कि मूल वास्तविक हैं कि बराबर हैं जी, क्वेश्चन आता है बेटा पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी d का व्युत्तर का मान ज्ञात करो 0 आ जाए तो कहना कि दी गई समीकरण के मूल वास्तविक बराबर होंगे। दूसरा क्या है, अगर d का मान क्या है 0 से छोटा है, क्या है d का मान 0 से छोटा, जब 0 छोटा क्या माइनस के 2 माइनस के 3 है तो 0 से छोटे हैं, तब भी डी का मान 0 से छोटा हो तो तब दी गई समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, तब को दी गई समीकरण का कोई बच्चा वास्तविक मूल नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं इसको हल करने की विधि, तो मैंने आपको बताई है भाग कौन सी विधि सूत्र की, सबसे पहले अपन क्या करते हैं इसकी तुलना कराते हैं। पहले कार्य विधि में क्या लिखवा था कि दी गई समीकरण की मानक रूप से तुलना करने पर, अपन इसकी तुलना कराने पर क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, जैसे आपने तुलना करी तो आपको पता चल गया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर करा तो ए बराबर 9, एक्स से एक्स कटेगा तो बी बराबर 7 और सी बराबर माइनस के 2। तो अपन को डी का मान क्या रखना, डी बराबर सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो बी का मान कितना है आपको 7, तो 7 का वर्ग करेंगे माइनस 4, ए का मान कितना है 9 और सी का मान कितना है माइनस के 2। कोई दिक्कत आपने कही कोई दिक्कत नहीं, 7 का वर्ग कितना होता है आपने कहा 49, तो माइनस ये माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, 9 दून 18, 18 चौक कितने होते बच्चा आपने कहा भैया 72 होते, 18 चौक कितने होते बच्चा 72 होते, 18 चौक कितने होते हैं 72 होते हैं, मैंने कहा इन दोनों सबको जोड़ लो, तो आपने कहा जोड़ लेंगे 9 और 2 11, 7 4 11 और 1 12 कितने आ गए 121। अब अपना वही सूत्र था, अब जो अपने सूत्र सीखा था वो आप सूत्र लगा सकते हो। अब सूत्र क्या लगा था अपना कि एक्स बराबर क्या होता है माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a, तो माइनस बी का मान कितना है, तो अब माइनस ए से बी का मान तो 7 है, तो 7 कर रहे हो माइनस का लग जाए प्लस माइनस डी का मान कितना निकाला अपन ने भी 121, तो 121 लिख देंगे बटे 2, ए का मान कितना निकला तो कितना निकला था 9 लिख देंगे। अब आप सब जानते हैं कि जी 121 कितने का वर्ग होता है, तो आप सब जानते हो कि 11 का वर्ग होता है, बटे गुणा करेंगे तो 9 दूनी कितने हो जाएंगे 18। अब देखो अब एक बार कायम लेंगे धन चिन्ह में और एक बार कायम लेंगे ऋण चिन्ह में, अपने आंसर आ जाएंगे, क्या जाएंगे अपने आंसर आ जाएंगे। जैसे कि अगर मैं धन का चिन्ह लूँगा तो माइनस के 7 प्लस के 11/18 कितने 11/18 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, अब बच्चा देखो 11 में 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4/18 काट लेंगे तो कितना बचेगा 2/9,
कितना बचेगा बच्चा 2/9, कितना बचेगा 2/9, कितना आ गया 2/9। अब ऋण चिन्ह लेंगे, ऋण चिन्ह लेंगे तो क्या लिखेंगे, -7 और -11 और -18, तो ये दोनों तो जुड़ जाएंगे माइनस माइनस के, तो माइनस के हो गया 18/18, भाई 18 से 18 ही कट गया तो बचा माइनस का 1, क्या बचा माइनस के, तो आंसर क्या निकले माइनस का 1, 2/9। तो ये आपके क्या आ गए, मूल आ गए हैं, जिसे अपन शून्यक भी कहते हैं। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आपने इस विधि को समझा होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप डायरेक्ट सीधा विधि की सूत्र इसी में भी रख दोगे तो भी आपके आंसर आएगा और उसे आना ही पड़ेगा। तो आज मैंने आपको तीनों विधि सिखा दी हैं गुणनखंड को ज्ञात करने की। अच्छा, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम आपके लिए समस्या के लिए हर समाधान के लिए रामपाल आपके साथ खड़ा। बच्चा कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। आप सबसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सवालों को हल करते हुए। जय हिंद, जय भारत।